का वाहन सूचना मिलते ही कैंट पुलिस पहुंची पंटे पर। फिर तलाशी में हुआ ये बड़ा खुलासा, मंदसौर जिले का तस्कर ईश्वर और दशरथ गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला विश्नानिया और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नीमच जिले की खास बड़ी खबर। जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन, ASP सुंदर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला के मार्गदर्शन में एवं कैंट थाना प्रभारी अजय सारवाना के नेतृत्व में टीम के ASI कैलाश कुमरे को मुखबिर की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जावत बंटे पर नाकाबंदी की और वाहन क्रमांक MP14 GC1561 को रोका। इस दौरान पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो 60 कट्टे लहसुन के बीच रखे कुल 15 कट्टों में 3 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोरा चूरा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर कार्यवाही करते हुए वाहन और डोरा चूरा जब्त किया। साथ ही पुलिस ने मौके से आरोपी ईश्वर पिता कंवरलाल उर्फ कारूलाल कुमावत, उम्र 34 वर्ष, निवासी लसड़ावन थाना अफजलपुर जिला मंदसौर, और दशरथ पिता बेरूलाल दुबे उम्र 48 वर्ष, निवासी बाजकेड़ी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस अब आरोपियों से उक्त अवैध मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ भी कर रही है। उक्त कार्यवाही में कैंट थाना प्रभारी अजय सारवाना और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। नीमच जिले की खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।